आप देख रहे हैं समर्थ सारा न्यूज में आपके साथ नेहा आई। करते हैं खबरों की शुरुआत। पुलिस को लगातार चोरी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र में लगातार 5 चोरियों को अंजाम देने वाला सुनील पिता पंचू अहिरवाल निवासी अड़ा अब पुलिस की गिरफ्त है। पुलिस ने आरोपी से चोरी का माल भी बरामद कर लिया है, जिसमें चांदी के आभूषण से लेकर पहनने के कपड़े, मोबाइल फोन, टीवी आदि सामान है। तो सुनील की माने तो वह यह चोरी का माल किसी बाजार या मेला में बेचने की भी फिराक में था। इसके अलावा पुलिस ने एक लोहे की राड भी बरामद की है, जिसे वह चोरी के लिए इस्तेमाल करता था। तो सुनील ने बताया कि वह पैसे खत्म होने पर वारदात करता था और जब 1000 रुपये या इससे अधिक की चोरी नहीं करता तब तक लगातार चोरी की घटनाएं करता रहता था। पुलिस की उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी एम के जगह के साथ दिनेश कुंबे, दिलीप यादव, विमान सिंह, हुकुम सिंह, अनामिका, संतोष दुबे, परशुराम तिवारी, जितेंद्र रजक की भूमिका सराहनीय रही। ये चोर पकड़ा गया है, कुछ चोरियाँ उजागर हुई हैं। कौन ये चोर है, किस तरीके से चोरियाँ करता था, कितनी इसने चोरियाँ की? ये थाना केसली अंतर्गत विगत 2 माह में लगातार चोरी की वारदात बन रही थी, जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय SDOP महोदय के मार्गदर्शन में थाना पुलिस केसली एक का स्टाफ एवं टड़ा चौकी स्टाफ ने जितनी भी 2 माह के अंदर चोरियाँ हुई थी उन सभी को लगातार विवेचना की एवं अपने मुखरी तंत्र एक्टिव कर इस चोर को पकड़ा है, जो इसमें करीब 4-5 चोरियाँ थाना केसली अंतर्गत एवं टड़ा चौकी के अंतर्गत की हैं, जो जिससे सारा माल का बरामद किया गया है। सर कितने का माल होगा? माल तो अभी इससे सभी जो सोना चांदी का जेवरात है उससे सोनी से टंच कराई जा रही है, जो उसमें वास्तविक कीमत उसकी उस आधार पता कर पाएंगे। सर ये चोर कोई मतलब इसका विशेष पैटर्न था या कोई इसकी ऐसी पहचान जो चोरियां करने में इस्तेमाल करता हो कुछ? ये चोरी करने में जो मकान बनाने का राड वगैरह होती हैं टुकड़े करने को, वो औजारों से वो ताड़ा तोड़ता है, इसी इसका पैटर्न है।